बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम अगेन इन नेटवर्क से। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर का आपको मैं इनफ नॉलेज बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि नेटवर्क लेयर क्या होती है। देखें, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को राउट करवाना है। अब राउट किस वे में करवाना है, उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स रन होंगे, उसके अंदर उसको मैनेज किस तरह से किया जाएगा। इतना बड़ा अगर एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल लिंक्स होते हैं, जिसे हम रिडंडेंट लिंक्स कहते हैं। अगर एक लिंक टूट गया या एक लिंक ब्रेक हो गया तो किस तरह से सेंड किया जाएगा। अगर एक लिंक स्लो है और दूसरा लिंक फास्ट है तो उसको किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो ये सारी हमारे पास डिस्कशन किस में आती है, नेटवर्किंग के अंदर आती है। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा डिस्कशन है और बहुत ना ख़त्म होने वाली एक कहानी है जो नेटवर्किंग के अंदर यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा ISP जो है हमारे पास, लाइक आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट आप तक पहुंच रहा है, वो भी एक नेटवर्किंग की एक एग्जांपल है कि उसको ऑब्वियसली बात है किसी न किसी तरीके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आप तक पहुँचाया जा रहा है। ये चीज़ें क्या सारी हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर आती है। नेटवर्क लेयर क्या चीज़ है, OSI की लेयर नंबर थ्री है। तो लेयर नंबर थ्री क्या होती है, नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर के अंदर कौन से हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन हमारा जो पैकेट है उसको राउट करवाना, सॉरी, और इसके अलावा बेस्ट पास सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये दो काम होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है ये दो काम तो परफॉर्म हो रहे हैं, अब किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं उसके बैकएंड में जो कहानी है, आइए वो डिस्कस करते हैं। नेटवर्क लेयर क्या है, OSI मतलब कि एक लेयर है जो कि नेटवर्क लेयर मैनेजेस क्या करती है, प्रिटेनिंग टू होस्ट एंड नेटवर्क एड्रेसिंग, मैनेजिंग सब नेटवर्क्स एंड इंटर नेटवर्किंग। होस्ट और होस्ट टू नेटवर्क मींस के होस्ट से डेस्टिनेशन तक पैकेट को राउट करवाना है। उसके अंदर सब नेटवर्क्स जो होते हैं, लाइक आपको सबनेटिंग मैंने बताया था कि एक हमारे मेन नेटवर्क है, उस नेटवर्क को ब्रेक करके हम उसको क्या करें, छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या सब नेटवर्किंग है, उनको मैनेज करना, ठीक है। और उसके बाद इंटर नेटवर्किंग है। इंटर नेटवर्किंग का मतलब क्या, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना, नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क लेयर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राउटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन विद इन और आउटसाइड ऑफ द सबनेट। अब ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, नेटवर्क लेयर की, कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को किस तरह से सेंड करवाना है। वो आया कि नेटवर्क के अंदर है, वो आया कि नेटवर्क से बाहर निकल रहा है। नेटवर्क के अंदर मीन्स कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर एक नेटवर्क है, अगर वहाँ से कम्युनिकेशन आउट होनी है, ठीक है, एक आउटर वर्ल्ड पे जानी है, एक अनट्रस्टेड वर्ल्ड के ऊपर जानी है, अनट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर जानी है, तो उसको किस वे में सेंड किया जाएगा, उसके अंदर कौन से पॉलिसी अप्लाई की जाएंगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी नेटवर्क लेयर की है। इसी तरह मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं इसके अंदर और IP एड्रेसिंग स्कीम प्रोवाइड की जा रही है, तो वो क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नेटवर्किंग की है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी की है, सॉरी लेयर की है। अब ये देखें, एड्रेसिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स, पॉपुलेटिंग राउटिंग टेबल्स एंड और स्टैटिक राउट, गोइंग इनकमिंग एंड आउट गोइंग डाटा एंड देन फॉरवर्डिंग दैम अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ सर्विस कंस्ट्रेंट सेट फॉर द दोस पैकेट्स। पहले इन तीन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एड्रेसिंग है, एड्रेसिंग डिवाइस एंड नेटवर्क्स। एड्रेसिंग का मतलब क्या है, आपको बताया था IPv4 और IPv6 दो टाइप्स के एड्रेसिंग होते हैं हमारे पास। IPv4 एड्रेसिंग कितने बिट के होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं, जिसमें चार ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। इसी तरह IPv6 है, वो 128 बिट्स के होते हैं। IPv6 बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और कुछ ऑब्वियस ही बात है उसकी बिट्स ज़्यादा हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ओवर लोड का इशू हो जाता है, कहीं ना कहीं ओवर हेड्स का इशू होता है। लेकिन हमारे पास जो राउटर्स हैं वो ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम ज़्यादातर चल रहे हैं IPv4 पे ही चल रहे हैं, ठीक है। हर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को और नेटवर्क के अंदर जो नोड्स यूज़ हो रही हैं, जो लाइक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, लैपटॉप्स हो गए या इस तरह के कोई और डिवाइसेस होगी जो कि IP एड्रेसेस बेस वर्क कर रही हैं, उन सबको IP एड्रेसेस प्रोवाइड करना। किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, आपको बताया था मैंने कि नेटवर्किंग की जाती है उनकी, सब नेटवर्किंग की जाती है उनकी। नेटवर्क को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल छोटे नेटवर्क के अंदर, तो वो उसमें क्या, हर नोड को कोई ना कोई IP असाइन कर दिया जाता है विद सबनेट मास्क। अब दो टाइप की राउटिंग होती है, एक क्लास फुल सबनेटिंग होती है और एक क्लास लेस सबनेटिंग होती है। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, तो ये आपको फिर बताऊंगा मैं। और इसी तरह पॉपुलेटिंग राउटिंग टेबल्स और स्टैटिक राउट। अब पॉपुलेटिंग राउटिंग टेबल्स और स्टैटिक राउट्स,
दो टाइप की आपको राउटिंग बताई थी मैंने आईपी एड्रेसिंग के अंदर, एक राउटिंग है क्लासफुल और क्लासलेस, इसको भी स्किप कर दें। अभी समझें कि डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। आम पैकेट को जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना है हमने, दो टाइप के होते हैं, एक हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और एक होता है हमारे पास कि हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा है, जो भी हमने प्रोटोकॉल रन किया हुआ है अपने नेटवर्क के अंदर। अब स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पे छोटा सा एक स्मॉल नेटवर्क है हमारे पास, लाइक हार्डली कोई 20 नोड्स का अगर एक नेटवर्क है, अब ऑब्वियसली बात है 20 नोड्स के नेटवर्क को मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रोटोकॉल रन होगा। अगर प्रोटोकॉल रन होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप इजीली स्टैटिक राउट कर दो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक राउटर या दो राउटर यूज़ की कर सकते हैं आप। तो उसमें क्या है कि आप स्टैटिक राउट कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी का आईपी एड्रेस, आईपी जो गेटवे है और आईपी पाथ है, राउटिंग पाथ है, वो असाइन कर रहे हैं किसको, अपने राउटर को, कि राउटर को बता रहे हैं कि किस तरह से जो पैकेट है वो किस तरह से नेटवर्क के अंदर होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। एक तो तरीका हो गया हमारे पास ये। दूसरा तरीका क्या है कि प्रोटोकॉल डिसाइड करें कि किस तरह से पैकेट को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड किया जाएगा ओवर द नेटवर्क। अब इस तरह की चीज़ें कहाँ थी, जहाँ पे बड़ा नेटवर्क हो, जब प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं या फिर स्टैटिक राउट डिसाइड करते हैं तो राउटिंग राउटर्स के अंदर क्या बनते हैं, राउटिंग टेबल बनते हैं। उन राउटिंग टेबल की बिहाफ पर जो राउटर है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है कि किस तरह से चीज़ों को मैंने मैनेज करना है और सेंड करना है आगे विद क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग जो आपको बताई है ऊपर, ये सारी फॉरवर्डिंग है, ये सारी राउटिंग टेबल में सेट की जाती है कि पैकेट को किस तरह से सेंड करवाना है, उसको क्यू में लगा देता है कि जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग चीज़ें हैं उनको क्यू में लगा देना है। उसके बाद क्या है, नेटवर्किंग जो है सबनेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, दो टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको बता चुका हूँ कि कनेक्शन लेस क्या होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। नेटवर्क लेयर फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, हर चीज़ जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जो कि पैकेट की कनेक्शन से रिलेटेड हो, सोर्स से डेस्टिनेशन तक एग्जैक्ट वे में जा सके। अगर पैकेट बड़ा है तो उसको फ्रेगमेंटेशन में ले जाए, उसको फ्रेमिंग कर ले, उसको हाफ डिवाइड कर दें, तो वो सब ए टू जी किस में आती है, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में आती है। दूसरी क्या चीज़ है, लोड बैलेंसिंग है। अब लोड बैलेंसिंग क्या है हमारे पास कि अब सिंपल अगर एक एग्जांपल से समझ लें कि मेरे पास एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, एक साइड पर मेरे पास एक प्रोटोकॉल रन हो रहा है और दूसरी साइड पे कोई और प्रोटोकॉल रन हो रहा है, तो पैकेट्स मेरे पास आएंगे मल्टीपल। आपको बताया था पैकेट स्विचिंग के अंदर कि किस तरह से पैकेट स्विचिंग के अंदर जो पैकेट है वो राउट किया जाता है मल्टीपल डेस्टिनेशंस के ऊपर। अब मल्टीपल डेस्टिनेशंस के ऊपर जो राउट किया जा रहा है, ठीक है, अब प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि लोड बैलेंस मैंने किस तरह से करना है। अगर किसी लिंक पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो उस लिंक का लोड उठाएगा और वो कोई और लिंक यूज़ करेगा और वहाँ पर भेज देगा, लेकिन एट द एंड डेस्टिनेशन मेरे पास सेम है। अब ये किस तरह से डिसीजन लिया जाता है, ये हमारा प्रोटोकॉल रहता है, आप खुद से भी कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। इस टेक्निक को हम लोड बैलेंसिंग टेक्निक कहते हैं कि हमारे ऊपर ये जो हमारा नेटवर्क है उसके ऊपर कोई ओवरहेड ना पड़े। इसी में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में आप फायरवॉल्स हमारे पास आ रही हैं, इंटीग्रेटेड फायरवॉल्स हैं हमारे राउटर्स के अंदर, इसी तरह एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हैं, ठीक है, इसी तरह कुछ और सर्वर्स मैकेनिज्म हैं हमारे राउटर्स के अंदर। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टनलिंग का, वीपीएन जिसे हम कहते हैं लेयर थ्री। आप सब लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, टनलिंग यूज़ करते हैं, क्या होता है उसमें कि आपकी जो ट्रैफिक है उसको सेफली तरीके से बाईपास करवाते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, टनलिंग है। टनलिंग और आईपी सिक्योरिटी के अंदर आईपी सेक और टनलिंग दोनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और वीपीएन भी ऑलमोस्ट एक प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर है जिसे हम वर्चुअल नेटवर्क कहते हैं, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। नेटवर्क एड्रेसिंग का आपको बता चुका हूँ कि IPv4 और IPv6 दो टाइप की नेटवर्क एड्रेसिंग होती है। IPv4 ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, IPv6 यूज़ नहीं किया जाता। किस वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ओवरहेड की वजह से। हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप अपने डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है, अगर आपकी डिवाइसेस पोर्टेबल हैं IPv6 को कॉन्फ़िगर करने के लिए तो आप उसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, वो 32 बिट का और ये 128 बिट्स का है, द हेल ऑफ डिफरेंस। नेटवर्क एड्रेसिंग अगर बात करें आईपी की तो इसमें प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, आईपी, आईपीएक्स और एप्पल डॉक। एप्पल डॉक बहुत ओल्ड यूज़ किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ जो
एप्पल प्रोडक्ट्स हैं लाइक लैपटॉप्स हो गए, मैक ओएस हो गए या मैक लैपटॉप्स होते हैं या सिस्टम होते हैं, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारा नेटवर्क बस ट्रायल हो चुका है, डायनामिक नेटवर्क बन चुका है, मल्टीपल नेटवर्क्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल आईएसपीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो चाहिए जो कि मल्टीपल आईएसपीज को आपस पे कनेक्ट करवा सके, उसके लिए क्या सिर्फ आईपी ही हमारे पास रन हो रहा है। एक नेटवर्क बना हुआ है सिंपल, ये चीज़ आप मैं पहले भी करके दिखा बता चुका हूँ किसके अंदर, हमारी जो आईपी एड्रेसिंग स्कीम थी उसके अंदर। अच्छा, नेटवर्क एड्रेसिंग के अंदर ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखी समझी जाती हैं कि हमने एक डिस्कशन की थी क्लासेस की, क्लास ए से लेकर क्लास सी तक। अब डिपेंड करता है कि कौन सा जो क्लास है वो बेस्ट सिलेक्शन है हमारे पास, तो ये चीज़ें क्या है हमारी नेटवर्क एड्रेसिंग के अंदर ही आ रही हैं। नेटवर्क एड्रेसिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेसिंग यूनिकास्ट करवाना है, मल्टीकास्ट करवाना है, ब्रॉडकास्ट करवाना है और एनीकास्ट करवाना है। ब्रॉडकास्ट आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि ब्रॉडकास्ट क्या है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। अगर मैं वन टू वन किसी से बात करूँगा तो वो क्या मेरे पास यूनिकास्ट है। अगर मैं कुछ सिलेक्शन 3 से 4 स्टूडेंट की सिलेक्शन करता हूँ, उनसे मैं डिस्कशन करता हूँ, तो वो क्या मेरे पास एनीकास्ट है। एनीकास्ट को आप यूनिकास्ट भी कह सकते हैं, एनीकास्ट को आप मल्टीकास्ट भी कह सकते हैं। अब ये हमारे प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेटवर्क किस लिए यूज़ किया जा रहा है। कहीं जो मल्टीकास्ट की जो एड्रेसिंग है वो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो राउटर की एडवर्टीजमेंट है, जो राउटिंग टेबल की एडवर्टीजमेंट है, वो किस किस राउटर के ऊपर पहुँचानी है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट इनके एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब नेटवर्क लेयर राउटिंग, राउटिंग का मतलब क्या है, पैकेट को स्विच करवाना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अब जब स्विच करवा रहे होते हैं उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जाती हैं, लाइक डिवाइसेस जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा रहा है तो दरमियान में कितनी डिवाइसेज आएंगी, दरमियान में कितने चेक पॉइंट्स आएंगे, जो पैकेट है वो किस किस रास्ते से मूव कर किस किस रास्ते से होकर डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। हमें तो नहीं पता ना कि लाइक हम जस्ट एक वेब लिंक ओपन करते हैं, google.com करते हैं और हमें रिप्लाई में फ़ौरन एक पेज ओपन हो जाता है, लेकिन उसके बैकएंड पे कहानी बहुत बड़ी है। हमारे पास दो टाइप की कमांड्स चलती हैं, एक सिर्फ पिंग की कमांड चलती है और एक चलती है हमारे पास आईपी राउट की कमांड चलती है। तो राउट हमें वो बताता है कि वो पैकेट जो है वो किस किस रास्ते से होकर हम तक पहुँच रहे हैं, यह हमारा पैकेट किस किस रास्ते से होकर डेस्टिनेशन में जा रहा है। उसमें क्या है, हॉप काउंट है, बैंडविड्थ है, मेट्रिक है, प्रीफिक्स लेंथ है और डिले है। ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ये चीज़ें हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। हॉप काउंट क्या है कि दरमियान में जो हमारा जो पैकेट है वो कितने रास्तों से घूम कर आया, वो क्या है, हॉप काउंट है। मैक्सिमम हॉप काउंट होता है 255, इसके बाद हमारा जो पैकेट है वो डेड हो जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है नेटवर्क के अंदर से, ठीक है। इसी तरह बैंडविड्थ है, उसकी बैंडविड्थ सब जानते हैं, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रिक क्या चीज़ है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर प्रोटोकॉल की, ठीक है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एक एडी होता है, डिस्टेंस होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस वे में यूज़ किया जाएगा। यूनिकास्ट राउटिंग आपको बता चुका हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, ये लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो इजीली। अब प्रोटोकॉल्स के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको डायनेमिक राउटिंग का बता चुका हूँ, स्टैटिक राउटिंग का बता चुका हूँ। स्टैटिक राउटिंग क्या है, हम मैनुअली कन्फिगर करते हैं, और डायनेमिकली का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली राउट कन्फिगर हो रहे हैं। अब वो राउट कन्फिगर किस तरह से होता है, वो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें DVR और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये डिस्कशन एक अलग है, तो इसको एक अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो ये छोटा सा एक हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से हैं। RIP है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2। RIP बहुत इनिशियली यूज़ किया जाता था स्मॉल नेटवर्क के लिए, अब क्या है हमारे पास बड़े नेटवर्क हैं, नेटवर्क लार्ज हो चुके हैं, तो उनको सेट करने के लिए, उनको कन्फिगर करने के लिए हमारे पास क्या है, RIP वर्जन 2 चल रहे हैं। इसी तरह लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है OSPF।
ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जहाँ बड़े नेटवर्क की बात आ जाए, जहाँ पे राउटर को डिसीजन करवाया जाए इस वे में कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन कौन सी है, तो वो हमारे पास कौन से राउटर डिस्कस करते हैं, OSPF। इसके अंदर मल्टीपल एल्गोरिदम रन करते हैं, लाइक डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, ठीक है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, और भी दो चार एल्गोरिदम है, वो इसके अंदर उस बेस पर ये प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं, उस बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि राउटिंग टेबल को मैंने किस तरह से पॉपुलेट करना है। ये आपको मल्टीकास्ट की सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अब राउटिंग के अंदर फ्लडिंग क्या चीज़ है, फ्लडिंग का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट। और आप जब पिंग की कमांड देते हैं या एसएम की कहीं कमांड देते हैं तो TTL की वैल्यू लिखी हुई आ रही होती है आपके पास, टाइम टू लिव वैल्यू। टाइम टू लिव का मतलब क्या है, जो पैकेट नेटवर्क के अंदर घूम रहा है उसकी लाइफ कितनी है, अब वो कितने हॉप काउंट से घूम कर आएगा और वो आपको बताएगा कि भाई मेरे पास टाइम टू लिव ये है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, राउटिंग एल्गोरिदम के अंदर। फ्लडिंग क्या चीज़ है कि एक पैकेट को फॉरवर्ड करने का एक तरीका है। अब फ्लडिंग ब्रॉडकास्ट के अंदर भी हो सकती है, फ्लडिंग हमारे यूनिकास्ट में भी हो सकती है कि बार बार हमारे जो नेटवर्क के अंदर है उसको पैकेट को फॉरवर्ड करवाना है। शॉर्टेस्ट पासवर्ड ये आपको बता रहा था मैं कि एल्गोरिदम जो यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं। इंटरनेटवर्किंग, आप लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही चीज़ डिस्कस किया कि इंटरनेटवर्किंग क्या होती है, कि हमारे पास रियल सिनेरियोज हैं, लाइक मल्टीपल राउटर्स मेरे पास लगे हैं, ठीक है, अब इन राउटर्स को किस तरह से मैं कन्फिगर करूँ कि मेरा जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक बेस्ट वे में हो जाए। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में हो रहे हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था राउटर की हर पोर्ट एक अलग नेटवर्क को डिफाइन करती है। राउटर की, याद रखिए दोबारा, कि राउटर की हर पोर्ट एक अलग नेटवर्क को डिफाइन करती है, ठीक है। अब ये मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, इन मल्टीपल नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनती है हमारे पास, इंटरनेटवर्किंग बनती है, नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क, व्हाट वी कॉल इंटरनेटवर्किंग। ओके, अब इंटरनेटवर्किंग की अगर बात करते हैं तो और प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, लाइक एक मेरे पास पॉइंट ये है, एक मेरे पास पॉइंट ये है, हो सकता है कि ये एक पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क है, ठीक है, सेम एज इसी तरह का एक नेटवर्क है वो पूरे के पूरे US का नेटवर्क है। तो ये जो नेटवर्क्स हैं ये कंप्लीट हमारे गेटवे प्रोटोकॉल्स के ऊपर रन हो रहे हैं। तो आज की डिस्कशन हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।